नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं बेगूसराय शहर के सिटी हॉस्पिटल में हूं और हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह, बेगूसराय आए हैं किसी काम से और इस दौरान यहां इनका आना हुआ। राजनीतिक सरगर्मी है इंडिया और एनडीए को लेकर, उसको लेकर इनसे बात करेंगे। सर, महिला आरक्षण बिल जो है पास हुआ है नए संसद में, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह से इसका महिला आरक्षण बिल था तो इसको चेंज करके नारी शक्ति वंदन, ये आरक्षण शब्द इससे गुम कर दिया गया। तो आरक्षण का मतलब होता है विशेष अवसर, जो पिछड़े लोग हैं समाज के या पिछड़ी हुई अगर महिलाएं हैं, आदि आबादी है, तो उसको आरक्षण, आरक्षण शब्द को गोल कर दिया गया। ये सारा का सारा खेल ये नागपुर से संचालित हो रहा है कि ये धीरे धीरे आरक्षण को समाज से ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहूँगा कि आधी आबादी को आधा आरक्षण मिले, इसको लेके लवली आनंद सदन में पर्चाबाजी करके दर्शक दीर्घ, विशेष दर्शक दीर्घा से वो अरेस्ट हुई। मेरे ये घाव के निशान देखिए, मैं पहली बार राजनारायण जी के बाद 36 वर्षों के बाद आनंद मोहन का मार्शल आउट हुआ था इसी बिल के सवाल पर। हमने कहा था कि आधी आबादी को आधा आरक्षण दो, महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद, ये कहते हुए मेरा मार्शल आउट हुआ था और मेरे हाथ कटे थे शीशे से, शीशा फूट गया था ले जाने के क्रम में, जो जल्दबाजी में लोग ले जा रहे थे, सर टकराया, हाथ टकराया, हाथ कट गए, सर फूटे, ये हमारा हिस्ट्री है महिला आरक्षण के सवाल पर। अब ये जो आरक्षण लाया गया, ये इसके बारे में ज़रा अंदर जाके समझिए बात को। ये कहता है कि आरक्षण का बिल हम पास कर दिए, अब 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। मिलेगा कब? 24 में नहीं, अभी 24 में नहीं। कहता है कि जनगणना होगा, फिर तय होगा कि महिलाओं की संख्या कितनी है, फिर ये तय होगा, परिसीमन तय होगा, लिमिटेशन, हाँ, परिसीमन तय होने के बाद 29 में लागू होगा। अगर 29 में लागू करना है तो ये 24 में लाने का क्या उचित है? अगर लाए भी तो उसके साथ साथ अगर ये सदन पास करता कि तब तक 24 में हर पार्टी की बाध्यता है कि वो 33% महिलाओं को सीट अपने दल में आरक्षित करे, अगर इस बिल के साथ ये बातें आती सामने तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, वरना ये तो ठगी है, ये तो चुनावी जुमला। ओबीसी को भी शामिल नहीं किया गया, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि ओबीसी को शामिल नहीं किया। अगर आरक्षण में आप ये सब तय किए हैं, दलित का, ओबीसी का, ये सब, तो वो इसको लेके विपक्ष हमला भर है, विपक्ष की मांग है ये। किस तरह से आप देखते हो ओबीसी की मांग को? अब सही हम पहले बोल दिए, ओबीसी की मांग होनी चाहिए पूरी, बिल्कुल सही है। और अभी बिहार आए थे कुछ दिन पहले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री मिला है हमको वो NRI है। NRI? हाँ, ये बराबर विदेश रहते हैं, आप उठा करके हिस्ट्री देखिए, NRI प्रधानमंत्री भी ना, और प्रवासी बिहारी आपको गृह मंत्री मिला है, ये प्रवासी बिहारी है, इनको बेहतर होगा कि बिहार में घर ले लें, चुनाव तक यहीं टिक जाएं और जितनी जोर लगाना हो लगा लें। रिजल्ट क्या आने वाला है वो ढाक के तीन पात सब समझ रहा है। क्या थोड़ा बता दीजिए, इंडिया की क्या स्थिति रहेगी 2024? स्थिति अभी इंडिया पूरी तरह स्वरूप में नहीं आया है। अच्छा। इंडिया की सारी बातें तय नहीं हुई है, सिर्फ इंडिया बना, इसमें सहमति लोगों ने जताई और चुनाव हुए देश में 7 जगह, 4 जगह इंडिया जीत गई, 3 जगह जीती है NDA और 3 जगह वहीं जीती यदि त्रिपुरा में उनकी सरकार है, तो 2 सीट त्रिपुरा की
उत्तरांचल उत्तराखंड में सरकार है तो वहाँ एक सीट और मार्जिनल साधारण वोट से, बागेश्वर में तो बहुत मार्जिनल है, हाँ बहुत साधारण वोट से सभी तीनों जगह, लेकिन जहाँ चार जगह इंडिया जीती है वहाँ बम्पर वोट से जीती है और उत्तर प्रदेश में भी जीती, तो सभी जगह जो मार्जिन है वोट का रेशियो है ये बताता है कि चार और बम्पर वोट से तीन, अपनी सरकार में तीन इज्जत बचाते बचाते भी किसी तरह मैंने जीत संभव हो पाया है। बीजेपी वाले इंडिया अलायंस को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, अब तो इंडी कहने लगे। इससे बड़ा घमंडी कौन हो सकता है जो लोकतंत्र में लाल किले से कहे कि अगली बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, इससे बड़ा घमंडी कौन हो सकता है। ये अहंकार की भाषा है कि हम ही झंडा फहराएंगे फिर से लाल किले पर, ये वही बोल सकता है जिस पर जनता का भरोसा नहीं ईवीएम पर भरोसा हो। आप बिहार की राजनीति से आपका गहरा नाता रहा, वर्षों से आप बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, अभी जो स्थिति है जो इंडिया और एनडीए है, आपको क्या लगता है कि बिहार में आनंद मोहन सिंह क्या एनालिसिस करते हैं कि कितनी सीटें आएगी इंडिया अगर एकजुट हो के लड़े तो? मैं समझता हूँ कि जो डबल अंक में आने की उम्मीद नहीं के बराबर, डबल डिजिट में किनको कह रहे हैं, सिंगल डिजिट में रहेंगे किनको कह रहे हैं? एनडीए सिंगल डिजिट। चल अंतिम सवाल कर लेते हैं, आप देखिए जो गठबंधन एनडीए गठबंधन या जो सरकार कहती रही स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सब में इंडिया लगाने वाले लोग आज इंडिया शब्द से जो घबराहट है, जो बेचैनी है, यही साबित करता है, डर भय को दर्शाता है। ये लोग भयभीत हैं, भयभीत आत्मा है। और अब आने दीजिए समय, सब क्लियर हो जाएगा, अब तो कुछ महीने का बाद, भगवान करे इनको सद्बुद्धि दे जितना जल्दी ये चुनाव करवा ले, हम सब तैयार हैं। आप भी कह रहे हैं जल्दी करवा ले? हाँ जल्दी करवा ले। ये मुगालते में थे एक बार साइनिंग इंडिया, अटल जी का साइनिंग इंडिया, और 6 महीना पहले चुनाव करवाए ये समझ के कि सारा कुछ मेरे अनुकूल है, और जनता ने दिखाया सोनिया गांधी को अजय बहुमत दिया। ये अटल जी के समय में उतनी पॉपुलर और उतनी उतना कुशल नेतृत्व नहीं है, उतना पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक सवाल और सर, इंडिया के अलायंस के जो नेता हैं वो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी इंडिया अलायंस में आवे, आप क्या चाहेंगे? स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, अभी भी बंटने के बाद, उत्तर प्रदेश को के बंटवारे के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद भी 80 सांसद वहाँ से हैं, तो 80 सांसद वाला जो है वहाँ तो हर अलायंस चाहेगा कि हमारा अलायंस मजबूत हो, हमारा गठबंधन मजबूत हो, उसकी मजबूती की चिंता सबको रहेगी, इसलिए मायावती हैं एक फोर्स हैं तो लोग चाहेंगे ही। आप भी चाहेंगे मायावती जरूर आए अलायंस में? अब अलायंस के कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। आनंद मोहन सिंह क्या चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए प्रतिपक्ष की एकता जरूरी है, अगर ये समय का तकाजा है, अगर ऐसा नहीं होता है, जो ऐसा नहीं करते हैं वो माने जाएंगे क्योंकि बीजेपी का भी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऐसा नहीं करेंगे माने जाएंगे बीजेपी का भी टीम। अंतिम सवाल सर, प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस में किनको आप देखना चाहते हैं, क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार है? देखिए नरेंद्र मोदी जी से कोई भी अच्छा है, नीतीश जी तो फार बेटर हैं, जनतंत्र चार पाए पर टिका हुआ है, एक है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस। आपने कभी सुना, आपको आप तो छोटे लोग हैं, हम लोग जो यहाँ बेगूसराय या बिहार के लोग हैं छोटे लोग हैं, लेकिन जो बड़ा मीडिया हाउस है उनको, जो अभी स्तुतिगान जो लोग करते हैं उनको भी कहिए कि
एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके बता दें, ये कैसा नेता है भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहा है? उसकी योग्यता स्वयं सिद्ध है, कोई प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं है। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबरा जाए, भाग जाए, कैंसिल कर दे, अभी जो G20 हुआ ना, ये तो सीरीज में होता है, सीरियल है, ये सीरियल आज फला देश को मिला, कल फला देश को मिला, लेकिन जिस ढंग से परोसा गया कि संपूर्ण G20 के देशों ने इनको नेता मान लिया और नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा दिए भाग खड़े हुए, तो ये कैसा नेता है? हम कह रहे हैं साधारण लोग, हमारे जैसे लोगों को भी आप घेर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपन हम लोग करते हैं, आप घेर के इंटरव्यू लेते हैं, इनका इंटरव्यू कौन लेता है? अक्षय कुमार, ये कोई एंकर नहीं लेता है, कोई जो प्रेस का एक्सपर्ट होता है, काबिल लोग स्वतंत्र पत्रकारिता का या प्रेस से, वो नहीं लेता है, इनका लेता है आर्टिस्ट, स्तुति गान करवाते हैं इंटरव्यू के नाम पर। तो जो इंटरव्यू से घबराए, जो प्रेस से घबराए, वो योग्य कैसे है? समय आएगा ना तो नेता भी सामने आएंगे। वैसे मैं मानता हूँ इंडिया में एक दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो मोदी जी से योग्य हैं।